हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक धनी एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया, अगर आप धनी के कस्टमर है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आप सभी का एक सोल्यूशन करने वाला हूँ। बहुत बार देखा होगा कि अगर आपने जो धनी एप्लीकेशन कितना लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहा है, वो तो आप सभी को पता होगा। क्योंकि अगर उसमें से हम 1000 रुपये निकालते तो उसमें सब्सक्रिप्शन के नाम पर, उसमें लेट फीस के नाम पर, पता नहीं कितना क्या अमाउंट जोड़ के उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर कर देता है। ऐसे में लोग पैसा नहीं चुकाना चाहते। जहाँ पर आपको यूट्यूब पर 1000-1000 वीडियो देखने को मिल जाएगी कि आपको पैसे चुकाना है या नहीं चुकाना, अगर आपको लोन नहीं, अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करते उनको, तो आपके साथ में क्या होगा। गाइज, मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, 2-3 वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने बताया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद है कि आप एक बात मान के चलिए, अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो आपको धनी का कस्टमर केयर कॉल करता है, प्लस जो धनी का एजेंट है वो कॉल करता है, तो उनसे हमें छुटकारा कैसे पाएं, उनकी आने वाली कॉल को कैसे बंद करें। सो यार गाइज, विदाउट स्किप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था, यही यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर दी थी, जहाँ पे मेरे को 8 दिन तक इसमें क्लेम पड़ गया था कि आप 8 दिन तक वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि आपने हमारे यूट्यूब नीतियों के खिलाफ आपने वीडियो डाला है। तो मैं उस वीडियो के बारे में तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जाके देखिएगा। वहाँ पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया आपको किस प्रकार से कॉल बंद करना है। लेकिन मैं आपको अपना मुँह से बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करना। आपने देखा होगा कि अगर आपका धनी का कस्टमर केयर कॉल करता है तो आपका जो नंबर होता है जो वो कॉल करता है, उस नंबर पे हम कॉल नहीं कर सकते वापस। एंड दोस्तों, जो धनी का कस्टमर केयर का कॉल नंबर होता है वो थोड़ा बहुत अलग तरीके से होता है, तो उस कॉल का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कॉल आता है तो आप उस कॉल को बात मत कीजिए, अगर बात करते हैं तो उनसे आप नॉर्मली बात कर सकते हैं कि सर मैं पैसे नहीं दे सकता, बात करके काट दीजिए। बात आती है धनी का जो एजेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो गाइज, आप उससे कैसे परेशान करें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। टिट फॉर टेट जैसे कोई तैसा, अगर वो आपको परेशान करते हैं तो आप उसको डबल तिब्बल चौबल परेशान कीजिए। परेशान कैसे करना, आपको बार बार कॉल करके कुछ नहीं बोलना है, ओनली एक झटके के अंदर आप उससे सबक सिखा जाओगे। क्योंकि देखिए, धनी का कस्टमर जो एजेंट होता है वो हर प्रकार से, मतलब सभी लोगों के पास में कॉल करता है। जैसे बहुत सारे, जैसे एक गांव में 5 आदमी तो 5 लोगों के पास में कॉल करेगा कि पैसा दो, वो दो, ये दो, उनको डराने धमकाने का काम करेगा। तो करना है कि आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके माध्यम से अगर आपका जो धनी का एजेंट आपको कॉल करता है तो उसका नंबर आपके पास में आ जाएगा। उस नंबर को उस एप्लीकेशन के अंदर डालना है। डालने के बाद में उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है गाइस, आप चाहे तो उस धनी के एजेंट को कितने मैसेज सेंड कर सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। उसका जो प्रीवियस मैसेज है, जितने भी उसके सिम पे मैसेज आए, जैसे उसने व्हाट्सएप कॉल आया होगा 1 साल पहले 2 साल पहले, जितने भी उसने कोई अपना आईडी वेरिफिकेशन किया होगा, अपना बैंक अकाउंट खोला होगा, तो उसका जो ओटीपी आएगा, ऐसे कुछ मैसेज जो पिछले मैसेज उसको रिटर्न होकर उसको डाइवर्ट होते रहते, उसको बदलते रहते, आप चाहोगे कि उसके 5000 मैसेज जाने चाहिए। आपका कोई पैसा नहीं कटेगा इसमें, 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिक मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देता है। ओनली आप वहाँ पे उस कस्टमर का, जो धनी का एजेंट है, उसका नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद में आप लोगों को स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, बॉम्बिट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइज, उसके पास में मैसेजों की बारिश हो जाएगी। अगर किसी भी कस्टमर से भी कॉल करेगा तो उसके मैसेज फ़ोन पे टू 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 टू, परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा पूरी तरह से। वो सोचेगा, अरे यार मैं कहाँ पे आके फंस गया, कौन सी धनी की जॉब कर ली मैंने। तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। सो गाइस, उस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए प्रैक्टिकली मैंने बताया, उस एप्लीकेशन का लिंक मैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दे सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं अपने यूट्यूब चैनल को सेफ रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बंद हो गया तो आपको नॉलेज कैसे मिलेगी। तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक वहाँ पे दिया गया, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखिए किस प्रकार से मैंने मैसेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं डाल सकता, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जाइए फटाफट से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड उस पेज को फॉलो कर लेना। एंड दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। इस एप्लीकेशन का यूज़ आप अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है, किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।